ગુજરાતની બોર્ડરને અડીને આવેલા ઉમરગામ નજીકના મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના તલાસરી ખાતે આવેલા સુપ્રસિદ્ધ ઇસ્કોન મંદિરમાં સ્નાન યાત્રા ઉત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। તલાસરી ખાતે આવેલા સુપ્રસિદ્ધ ઇસ્કોન મંદિરમાં આ પાવન પર્વ નિમિત્તે ભગવાન જગન્નાથજી, બહેન સુભદ્રાજી અને ભાઈ બલરામજીને ભાવિક ભક્તો પૂર્વક સ્નાન કરાવી ધૂન ચલાવી હતી, જેમાં બાળાસાહેબ ઠાકરેની शिवसेना महाराष्ट्र राज्य पालघर विधानसभा विस्तार धारासभ्य श्रीनिवास वणगा तथा तलासरी पप्पू यादव, उद्वा सरपंच वगैरह पुलिस ने खास प्रकार की सिक्योरिटी काफला साथ आवी पहुंची मंदिर दर्शन नो लाभ लीधो हतो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम इस्कॉन नीलाचल वैदिक विलेज तलासरी फार्म में अभी आज बहुत ही अद्भुत उत्सव मना रहे हैं, जिसका नाम है जगन्नाथ स्नान यात्रा। तो ये जगन्नाथ स्नान यात्रा जो उत्सव है, ये हमारे वैदिक काल से कई सारे उत्सव जो मनाए जाते हैं उसमें से एक बहुत ही प्राचीन उत्सव ये मनाया जाता है। तो इस उत्सव में भगवान श्री जगन्नाथ जी, आज जन्मदिन है उनका और आज ही के दिन वो खूब नहाते हैं, अभिषेक होता है। बहुत भक्त लोग उन्हें, अनेकों भक्त उनकी अभिषेक करते हैं जल के द्वारा, और इतना नहाते हैं कि वो फिर वो बीमार हो जाते हैं। तो बीमारी की वजह से उनको आराम दिया जाता है, वो दर्शन नहीं देते हैं। तो 15 दिन तक वो बीमार रहते हैं और फिर दवाई लेते हैं, काढ़ा पीते हैं और 16वें दिन श्रृंगार के साथ वापस से अद्भुत दर्शन देना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही हमारे भगवान श्री कृष्ण, श्री जगन्नाथ जी के अद्भुत लीलाएँ हैं, तो उसका ये एक प्रतीक है। हरे कृष्ण। मैं श्रीनिवास चिंतामन वनगा, पालघर विधानसभा MLA, आज जगन्नाथ तलासरी इस्कॉन टेम्पलेस में उसका अभिषेक चालू है, पूजा अर्चा चालू है और सभी तलासरी या खानमेल हो, सिलवास हो, सभी भक्त यहाँ आते हैं, भगवान का दर्शन लेते हैं। मैं भी उसका भगवान का एक भक्त हूँ, तो मैं दर्शन लेने के लिए आया हूँ। जो भी भक्तों को मैं शुभकामना और शुभेच्छा देता हूँ।